कोल इंडिया, ऑब्वियसली कोल इंडिया, बीपीसीएल, इन दोनों को ही खाली लग रहा मुझे, जा सकते हो आप। इसलिए नहीं कि ये वैल्यू है, नहीं नहीं, इसलिए कि डिविडेंड अच्छा है, तो अगर कभी फंस भी गया तो यील्ड अच्छी मिलती रहेगी, धीरे 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 डिविडेंड मिलता रहेगा, कैश जनरेटिंग पीएसयूज हैं। वैसे भी ये कोल इंडिया और मतलब पीएसयू की तेज़ी आप डिविडेंड के लिए ही रखो, अभी ये मोमेंटम आ गया, वैल्यू बाय थी क्योंकि बहुत समय से अंडर परफॉर्मर था, कभी वैल्यू मिली नहीं, सडनली वैल्यू मिली तो इतनी मिली कि मतलब 7 रुपये का, 7 के मल्टीपल का आयरेडा, नहीं वो 8 के मल्टीपल का आयरेडा 80 के मल्टीपल तक पहुंचा दिया, ऐसा टाइप का तेज़ी आया। मतलब एग्जांपल है वो, मैं अभी शेयर कर दूंगा क्या वैल्यूएशन समरी थी इनकी, लेकिन इस तरह की ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है। सो बेटर यही है कि इतनी लार्ज अंडर परफॉर्मेंस थी इसलिए यहाँ पर अबाउट परफॉर्मेंस आ रही है, बट अदरवाइज आप डिविडेंड यील्डिंग स्टोरी देख रहे हो तो बीपीसीएल, कोल इंडिया, दे आर द बेस्ट डिविडेंड यील्डिंग पीएसयूज एज ऑफ नाउ। तो बाकी फॉल के हिसाब से डिपेंड करता है, कभी गिरावट आएगी तो नालको अच्छा हो जाता है, एनएमडीसी अच्छा हो जाता है, बट अदरवाइज अभी के लिए एक स्टैंडर्ड यही दोनों हैं जिनके पीएसयूज के डिविडेंड अच्छे हैं। आप इन्हें कॉल ले लो, वैसे भी दोनों लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल कंपनियों में से एक है, और ये बीपीसीएल तो वैसे ही अच्छी ओएमसी है, तो आप देख सकते हैं दोनों को।